धर्म से भाव आत्माओं, अष्ट प्रातिहारों का वर्णन चल रहा है। अशोक वृक्ष से सिंहासन पर, सिंहासन से छत्रधारी, चबरधारी, ढोल ढमाके भगवान की बजे, उसके बाद पुष्पवृष्टि हुई। आज हम चल रहे हैं भगवान के उन अंतरंग भावों के प्रभाव की ओर। आप विचार करके रखना, आज का काव्य है 34 नंबर का, पुस्तक को तो निकालेंगे, 34 नंबर काव्य को हम उच्चारण एक बार करें, 34 नंबर भी काव्य को। सुम्भत प्रभावल भोर विभा विभोस्ते, सुम्भत प्रभावल भोर विभा विभोस्ते, लोकत्रे दुतिमतां दुतिमाच्छपन्ति, लोकत्रे दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति, प्रदो दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, प्रदो दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या। यहाँ चार मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे प्रभो, आपके दिव्यत्वान देह की उत्कृष्ट आभा प्रलय आभा की बले की प्रचुर कांति के प्रभा मंडल कहते हैं, जो तीनों लोकों में पाए जाने वाले पदार्थों के तेज को दर्शित करता है, हे तथा उदयमान सूर्यों की विपुल संख्या के प्रकाश के तेज को और चंद्रमा की सुंदरता को भी जीत लेता है। आचार्य मांगतुंग स्वामी इस काव्य के अंदर से प्रभावलय एक ऐसा शब्द दिया है, यहाँ पर प्रभावलय वो आचार्य मांगतुंग स्वामी इस काव्य के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भगवान आपका प्रभाव इतना है, आपका आभा मंडल इतना है कि तीन लोक में भी ऐसा प्रभाव देखा नहीं गया। ख्याल करो, जो यहाँ प्रभाव वलय कर रहे हैं, प्रभाव वलय करके कोई हमारा प्रातियार नहीं है, प्रातियार का नाम है भाव मंडल। आप विचार करना, प्रभाव मंडल का मतलब है भाव मंडल, और भगवान का प्रभाव इतना है प्रभाव मंडल में दिखने को हम जाते हैं तो हमें कई चीजें स्पष्ट दिखने लगती है। कभी आपने पढ़ा होगा समोषण का वर्णन, तो कहते हैं कि भावमंडल जो भगवान के पास में है उसमें तीन भाव पीछे के, तीन भाव आगे के और एक भाव वर्तमान का दिखता है। आप देखें यहाँ भगवान को, भगवान को देखते हैं तो भगवान के पीछे गोल राउंड सा है, इसको क्या बोलते हैं, भावमंडल। सभी मंदिर में जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी भगवान होंगे उनके पीछे हम लोग एक अष्टधातु का, चांदी का, सोने का, जैसा भी समर्थ होती है वैसा एक भावमंडल बनाते हैं। विचार करना, वो भावमंडल भावमंडल नहीं है, वो हम सब जीवों का आभा मंडल है, वो हम सब लोगों के जीवन का प्रभाव है। वो भावमंडल जब भगवान के पीछे लगता है तो उसमें जो भी जीव जाता है निष्पक्ष रूप से उसको उसके सात भाव दिखने लगते हैं, तीन अतीत के, तीन भविष्य के, एक वर्तमान का। जो भगवान का प्रभाव मंडल में चला जाता है, भगवान के सानिध्य में चला जाता है, उसको अपना अतीत भी नजर आता है, अपना भविष्य भी नजर आता है और अपना वर्तमान भी नजर आता है। भगवान को उस प्रभाव मंडल से, आभा मंडल से, प्रभाव मंडल भाव मंडल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके पास जाने वाले का अपने आप सारा चित्रण समझ में आ जाता है। जब कभी आप उदास होते हो तो लगता है कि आभा मंडल में कहीं ना कहीं मन में विकल्प चल रहा है, और जब कभी आप खुश होते हो तो लगता है कि आपके आभा मंडल में कहीं ना कहीं कोई उल्लास दिख रहा है। जब आप रोते हो
तो लगता है कि आपके आभा मंडल में कहीं कोई बहुत ज्यादा दुख का संदेश आ गया है। आपके चेहरे को देखकर लग जाता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार का होगा। अगर निमित्त शास्त्र में जाकर देखने का प्रयास करें, अंग शास्त्र में जाकर देखने का प्रयास करें, हम और अंग निरीक्षण में जाकर देखने का प्रयास करें, तो उसका अलग अलग प्रभाव आता है। लेकिन फिर भी आपके चेहरे से आपके व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। ख्याल करना, जब आप कभी किसी के पास जाओ, उसके चेहरे को पढ़ो, उसके चेहरे को पढ़कर आप बहुत कुछ जानकारी ले सकते हो। वो अगर कोई व्यक्ति जिसके पास आप गए हो, आप देखते भी होगी किसी के पास आप गए हो और आप बात कर रहे हो और उसका ध्यान इधर उधर है, तो आपको लगता है इसको मेरी बात पर ध्यान नहीं आ रहा है। आप विचार करना, और आप सब मुझे टकटकी लगाकर देख रहे हो चातक पक्षी की तरह कि कुछ अमृत की बूंदें मिल जाएं तो मेरा भी कल्याण हो जाए, तो लगता है ये मेरे भावमंडल में आप आ गए हो और आपका भी आवामंडल ऊर्ज के साथ जा रहा है। कभी किसी से व्यक्ति से बात करो, उसको इंटरेस्ट है कि नहीं आपकी बातों में, वो आपकी बातें सुनना चाहता है कि नहीं चाहता है, आप विचार करके रखना। जब आपके चेहरे पे किसी की बातों को सुनकर प्रसन्नता होती है, तो सामने वाले को, बोलने वाले को तुमसे ज्यादा प्रसन्नता होती है और वो ज्यादा तुमसे बात करना चाहता है। और सामने वाले की बातों को सुनकर तुम उदासीन होने लगे, सामने वालों की बातों को सुनकर तुम निगेटिव होने लगे, सामने वालों की बातों को सुनकर तुम्हारे अंदर नकारात्मक सोच आती है, उसी समय वो सामने वाला अपने आप को सिमट लेता है, कछुए के तरह कर लेता है। कछुए को सामने दिखता है खतरा है तो समेट लेता है, और कछुए को सामने दिखता है मार्ग प्रशस्त है तो कछुआ सारे अंगों को बाहर निकाल देता है। मैं हमेशा कहता हूं, आप अपने जीवन में सबके विश्वास जीत पाओ या ना जीत पाओ कोई बात नहीं, सबको अपना बना पाओ या ना बना पाओ कोई बात नहीं, सारी दुनिया को तुम अपना प्रभाव दिखा पाओ या ना दिखा पाओ कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने अपने जीवन में एक गुरु को अपना बना लिया, अपने गुरु को विश्वासपात बना लिया, तो तुमने तीन लोग का विश्वास जीत लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात। ख्याल करना, एक को अपना बना लिया ना सारी दुनिया तुम्हारी हो गई। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज, आप विचार करके रखना, आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिनको मैंने अपना गुरु स्वीकार किया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब तो मुझे बस वही गाना गाना है, गुरुदेव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तो आप हो मेरा तो नाम हो रहा है, करते तो आप हो मेरा तो, क्योंकि मैं उनके प्रभाव में गया और मैं उनका हो गया, और उनके होने के बाद अब हमें और किसी के होने की जरूरत ही नहीं है। आप विचार करके रखना, हमें 10 जगह माथा पटकने की जरूरत ही नहीं है, हमें और कहीं नहीं जाना है, एक के प्रभाव में जाकर अपना प्रभाव समाप्त कर दो। अभी हमारे पास छोटू भैया बैठे थे, मैंने कहा समर्पण कैसा होना चाहिए, आप विचार करके रखना, हम लोगों का दिमाग चलता है, हम लोगों के पैर रुके रहते हैं, शरीर रुका लेकिन दिमाग चलता रहता है, समर्पण कैसा होना चाहिए, गुरुओं के प्रति कैसे हमें आकर्षित होना चाहिए, गुरु के प्रति प्रभाव में कैसे जाना चाहिए। एक किसान एक बीज को मिट्टी में बो देता है, आप विचार करके रखना, वो किसान मिट्टी में बोता है, वो बीज ये नहीं कहता ये किसान मैं इतना सुंदर सा हूं तुम मुझे मिट्टी के अंदर डाल रहे हो, मुझे तो संगमरमर के ऊपर रखो, मुझे तो ऊपर और कोई अच्छा स्थान दो, चांदी सोने के स्थान पे रखो, मैं इतना सुंदर सा हूं।
विचार करके रखना, अगर वो बीज को हम संगमरमर के पत्थर पे रखें, चांदी सोने के पाटे पे रख दें, तो वो बीज कभी भी अंकुरित नहीं होगा, वो बीज धीमे 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 खराब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उस बीज को मिट्टी के अंदर बोया और समय समय पर विचार करना, समय समय पर उसे खाद पानी धूप मिलता गया, तो वो बीज एक इतना बड़ा बट वृक्ष बन जाता है कि आप विचार करके रखना, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को वो छाया देने लग जाता है। और उस बीज की संभावना उस मिट्टी को मालूम है, वो मिट्टी माँ है, माँ माँ अपने बच्चे को अपने से ऊपर उठाना चाहती है। विचार करना, माँ में और पिता में इतना ही अंतर है, माँ अपने बच्चे को हृदय से लगा के रखती है और हृदय से लगाती है, और बच्चा हृदय से लगा रहता है तो माँ बच्चे को बहुत प्रभावशाली बना देती है, वो माँ बच्चे को बहुत अच्छा बना देती है, और बच्चा माँ के हृदय से हटता है तो उसका प्रभाव कहीं पड़ता नहीं है। विचार करना, वो बीज धरती माँ के हृदय से लगा हुआ है, इसीलिए वो वृक्ष के रूप में बन रहा है, और माँ बच्चे को हृदय से लगाती है, पिता बच्चे को अपने कांधे पे बैठ के घुमाता है। कभी आपने ख्याल किया, माँ बच्चे को कांधे पे नहीं बैठालती, पिता कांधे पे बैठालता है। माँ कहती है, बेटा तू मेरे हृदय से जुड़ा रहेगा तो तुम्हारे अंदर हृदय में वो शक्ति आएगी कि जो कभी भी कोई भी घटना घट जाए तो जल्दी से कमजोर नहीं पड़ेगा। और पिता कांधे पे बैठालता है तो पिता का सपना यही रहता है कि मेरा बच्चा मुझसे भी ऊपर जाए, इसीलिए कांधे पे बैठाकर पिता का सर नीचे रह जाता है, बेटे का सर उससे भी ऊपर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये पिता की भावना होती है। माँ बच्चे को सीने से लगा के खिलाती है, पिता उछाल उछाल के खिलाता है, उससे ऊपर जा, मुझसे ऊपर जा, मुझसे ऊपर जा। तो यही तो वो बीज है। आप विचार करके रखना, जब हम गुरुओं के प्रति परमात्मा के प्रति ऐसे समर्पित हो जाते हैं, बस वो बीज जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, समर्पणता का भाव किया और उसने वहां से कोई नाम ख्याति की भी चाह नहीं की, कोई भौतिक चीजों की आकर्षण की भी इच्छा नहीं रखी, फिर वो बीज हजारों लोगों को छाया ही नहीं देता है, फल भी देता है, पक्षियों को दाना भी देता है, ये दादाजी को भी स्थान देने का प्रयास करो। आप विचार करके रखना, वो बीज क्या क्या नहीं देता है, सब कुछ देता है। इसलिए अपने जीवन में इतना ही विचार करना कि वो परमात्मा का बीज हो, तुम परमात्मा का बीज हो, लेकिन उस धर्म की उस विभाव की मिट्टी में बोने का प्रयास करो। एक चीज और बोलू, मेरे गुरुदेव कहते हैं किसी को फूल भेंट में मत देना, गुलदस्ता बना के बोका, वो क्या बोलते हैं, बोगा, हाँ वही जो तुम सो बोलते हो वही सही। आप विचार करके रखना, किसी को तुम्हें अगर देना है तो फूल का गुलदस्ता मत दो, उसे फूलों के बीज दे दो तो हमेशा हमेशा के लिए उसका घर महकता रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए जहां बीजा रोपण करेगा ना वहां सब कुछ होगा। आपका जन्म दिवस हो, आप विचार करना, गुड़माला बहन आज संकल्प कर लेना कि हमें 50 वृक्ष लगाना है कहीं पर, 100 वृक्ष, कितने साल के हो गए उतने वृक्ष लगा देना। एक हमारी गुणमाला बहन का जन्म दिवस है, वो हैदराबाद से आई मनाने, और एक हमारी अमिता बहन का जन्म दिवस है, वो नाहरलगन से आई मनाने। एक का हो गया है, एक का भी चालू है। जब हमारा जन्म दिवस हो, कहीं जाकर वृक्षारोपण करने का प्रयास करो। बीज जब बो दिया जाता है तो बीज इतनी संभावना लेकर होता है, कितना बड़ा लोगों को ऑक्सीजन देता है,
ख्याल करके रखना, अगर ये वृक्ष नहीं होते ना तो लाखों करोड़ रुपए की ऑक्सीजन पूरे जीवन भर में तुम्हें मिलती और फिर भी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल ही है ना, नेचुरल तो नेचुरल है। विचार करके रखना, ये हमारे वृक्ष नेचुरल ऑक्सीजन देते हैं और इन ऑक्सीजनों के माध्यम से हम स्वस्थ रहते हैं। अगर तुम्हारे पास सकारात्मक सोच है तो उस नकारात्मक आदमी की सोच को सकारात्मक बनाने का प्रयास करना, ख्याल करना। कई बार ये होता है हम दूसरों को सिखाने जाते हैं लेकिन खुद ही सीख के आ जाते हैं, है ना। अच्छी सोच अगर हमारे पास है तो हम उसे अच्छी सोच देने का प्रयास करें, क्योंकि 99% लोग नकारात्मक सोच वाले दुनिया में हैं, जिनको अगर हीरे मोती रत्न भी बरसा दिए जाएं तो भी कहते हैं कि भगवान खजाना तो तुमने अपने पास ही रखा, बस थोड़े थोड़े बरसा दिए, इससे क्या फायदा, बारी तुम्हारी बुद्धि। आप विचार करना, इतना अच्छा मनुष्यत्व दे दिया, इतना अच्छा धर्म दे दिया, इतनी अच्छी सोच दे दी, इतना अच्छा सब कुछ दे दिया, अब और क्या चाहिए। अब तुम कहो सिद्धालय ऊपर क्यों बनाया, यहीं पे बना देते, क्यों पर नीचे। ऊपर सिद्धालय तो ऊपर रख लिया और थोड़े थोड़े से गुड़ भेज दिए, इससे क्या फायदा, वो यही दे देते तो आनंद आता। तुम्हारी सोच को कोई बदल नहीं सकता है, इसलिए इतना ही विचार करना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसका आनंद लो, उसको जीवन में स्वीकार करो। और वास्तव में जिस वक्त तुम्हारा भामंडल, तुम्हारा आवा सोच अच्छी होगी ना, विचार अच्छा होगा। मैं अक्सर कहता हूं गंगा में स्नान करने से तुम्हारे पाप धुले या ना धुले कह नहीं सकता, लेकिन अच्छी सोच अच्छे विचार वाले व्यक्ति के पास बैठने के बाद तुम्हारे दुख दर्द दूर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अच्छी पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, अच्छे विचारधारा। और आपके पास नापने का थर्मामीटर है, कैसे नापना है, किसी से किसी के बारे में बात शुरू करो, अगर वो व्यक्ति सही सम्यक होगा तो वो कहेगा, गलत व्यक्ति के बारे में भी कहेगा कोई बात नहीं, एक गलती हुई है ना, कोई बात नहीं, उस एक गलती से उसे पूरा गलत मत सोचो। किसी की उंगली में चोट लगी है ना, तो उंगली की चोट लगी है तो उंगली में पट्टी बांधो ना पूरे शरीर में बांधो। क्या करते दिमापुर वाले, अगर किसी की उंगली में चोट लगी है तो पट्टी पूरे शरीर में बांधते हैं या उंगली में बांधते हैं। रमेश भाई सर में दर्द है, दवाई पेट में लगाना पड़ेगी क्या, सर में, ये सर में। तो आप विचार करना, किसी कोई व्यक्ति की बात ये खराब हो जाए तो उस खराब बात का इलाज हो, ना कि पूरे जीवन का इलाज कर दो उसके। ऐसी तुम पूरी जीवन की माँ की बहन की परिवार की सारी बातें खोल कर रख देते हो तुम तो। अरे भाई एक पेज में कुछ गलत लिख गया तो उस पेज को हटाओ, कॉपी को पुस्तक को, कॉपी और पुस्तक को हटाने का प्रयास मत करो। हाँ